Hello guys, welcome to My Online CA again. My name is Dev and I am your legal executive. तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज अबाउट स्टार्टअप इंडिया. तो इंडिया के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं, स्मॉल बिजनेस हैं एंड एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि स्टार्टअप इंडिया के बारे में जानते हैं, जिन लोगों ने एक तरह से न्यूज़पेपर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू स्टार्टअप इंडिया के बारे में काफ़ी सुना भी होगा. बट कई सारे लोग हैं जो एक तरह से कन्फ्यूज़ है कि ये स्टार्टअप इंडिया है क्या, इसके क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह हैं और इसको हम अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज़ ले सकते हैं. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्टअप इंडिया है क्या और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और ये आपके बिज़नेस के लिए किस तरह एडवांटेजेबल है, राइट. मतलब किस तरह इसके बेनिफिट्स को आप अपने बिज़नेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो इसके लिए मैंने दो वीडियोज़ के अंदर एक तरह से सीरीज़ बनाई है. जो फर्स्ट वीडियो सीरीज़ है उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट्स क्या क्या हैं और ये बेनिफिट्स आपके बिज़नेस के लिए कैसे यूज़फुल हैं. तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें. तो अगर जैसे मैं पहले बताना चाहूँगा कि आपको स्टार्टअप इंडिया है क्या. तो स्टार्टअप इंडिया इन एक्शन प्लान टू डेवलप एन इकोसिस्टम टू इंक्रीज द एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री. तो एक तरह से जो स्टार्टअप इंडिया है वो एक तरह से इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने इस कैंपेन को जो एक तरह से लॉन्च किया है. हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी है, उन्होंने 15 अगस्त 2015 को लाल किले से एक तरह से स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंडअप इंडिया का कैंपेन स्टार्ट किया था. इसके पहले मोदी गवर्नमेंट ने एक तरह से मेक इन इंडिया कैंपेन है वो भी स्टार्ट किया था. वो भी एक तरह से बेनिफिशियल था स्टार्टअप्स के लिए, बट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. बट अब जो स्टार्टअप इंडिया है वो सारे बिजनेस के लिए बेनिफिट है और इसके अंदर काफ़ी सारे एडवांटेज दिए गए हैं. तो इसके अगर मैं फर्स्ट एडवांटेज की बात करूँ तो दैट इज़ अबाउट द टैक्स बेनिफिट. देखिए, अगर आप इंडिया के अंदर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली है आप जो अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट अर्न करते हैं उसके ऊपर एक तरह से आपको टैक्स पे करना पड़ता है. तो ये टैक्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, एज ए इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स एंड द वैट एंड द CST. तो गवर्नमेंट ने इस स्कीम के अंतर्गत जो एक तरह से स्टार्टअप्स हैं उनका जो प्रॉफिट पे जो टैक्सेशन बनता है जिसको इनकम टैक्स कहते हैं, तो एक तरह से आपको 3 साल तक जो है ये टैक्सेशन पे नहीं करना है गवर्नमेंट को, राइट. तो एक बहुत ही बड़ा टैक्स हॉलीडेज या एग्जेम्पशन आप कह सकते हैं 3 साल तक के लिए, कि आपकी अगर आपकी कोई LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, या पार्टनरशिप रजिस्टर्ड फर्म है, या फिर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उनके प्रॉफिट के ऊपर जो भी टैक्स बनता है उस पर आपको 3 साल तक जो है टैक्स पे नहीं करना, राइट. इसके अलावा एक और टैक्सेशन का बेनिफिट दिया है, दैट इज़ अबाउट द कैपिटल गेन टैक्सेशन. अगर मैं कैपिटल गेन टैक्सेस की बात करूँ तो इन ए शॉर्ट कैपिटल गेन टैक्स, जब भी इंडिया के अंदर आप कोई भी प्रॉपर्टी एक तरह से सेल आउट करते हैं तो उस पर आपको जो भी प्रॉफिट होता है उस पर आपको टैक्सेशन पे करता है करना पड़ता है गवर्नमेंट को, एंड दैट इज़ कॉल्ड द कैपिटल गेन टैक्स, राइट. तो यही कैपिटल गेन टैक्स जो आप प्रॉपर्टी को सेल आउट करके आपका जो प्रॉफिट होता है उसी को अगर आप अपने स्टार्टअप के अंदर रीइन्वेस्ट करते हैं, राइट, तो आपको 100% डिडक्शन मिलती है रिगार्डिंग द कैपिटल गेन टैक्स. तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. जो लोग इतने से अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल आउट करके वो पैसा जो है अपने स्टार्टअप के अंदर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी एक तरह से आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है. ये देखिए, यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर काफ़ी सारे टैक्सेशन के बारे में बताया गया है. तो स्टार्टअप इंडिया के बारे अंतर्गत जो एक तरह से जो टैक्स के बेनिफिट दिए गए हैं वो केवल इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्सेस के रिगार्डिंग दिए गए हैं, कि इन्हीं टैक्सेशन पे एक तरह से केवल आपको बेनिफिट मिलेगा. बाकी एक तरह से जो VAT और CST है और इसके अलावा सर्विस टैक्स वगैरह है, राइट, वहाँ पे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है. वो एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट वगैरह जो है एक तरह से रिकवर करती है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपरली टैक्सेशन पे करना पड़ता है. इसके अलावा मैं सेकेंड बेनिफिट की बात करूँ, दैट इज़ अबाउट द सेल्फ सर्टिफिकेशन. अब ये सेल्फ सर्टिफिकेशन क्या है, जब भी आप इंडिया के अंदर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप या एज ए कोई शॉप वगैरह स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको शॉप एक लाइसेंस देना पड़ता है. उसके अलावा अगर आपको मेन पावर हायर करनी है तो उसके लिए आपको लेबर लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट रहती है. तो पहले क्या प्रोसीजर रहता था, पहले इन सब लाइसेंसेस को अप्लाई करने के लिए आपको एक तरह से फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ता था. जो एक तरह से इंस्पेक्टर होता है गवर्नमेंट का, वो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करता उस शॉप का या फिर उस प्लेस, बिजनेस प्लेस का, उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता. बट इस स्कीम के अंतर्गत एक तरह से जो भी स्टार्टअप्स हैं, जो भी स्मॉल बिजनेस हैं, जो भी इसकी डेफिनेशन के अंडर कवर होते हैं, तो उनको बेनिफिट दिया गया है कि आपको कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है. एक तरह से आप जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये देखिए, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दी गई है
जिसके अंदर बहुत सारे एक्ट जो है इसके अंदर कवर होते हैं, जैसे द बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, द इंटरस्टेट माइग्रेशन वर्क में, द पेमेंट ऑफ द ग्रेजुटी एक कॉन्ट्रैक्ट लेवल एंड ई से एंड मैनी मोर, राइट। तो इसके अंतर्गत एक तरह से आपको केवल सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सर्टिफिकेशन जो है एक तरह से प्रोवाइड करना है और उसके थ्रू आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके अलावा मैं अदर बेनिफिट्स की बात करूँ, दैट इज़ अबाउट द स्पेशल फंड। अब ये स्पेशल फंड क्या है, जो गवर्नमेंट है एक तरह से स्टार्टअप को सिर्फ टैक्सेशन के अंदर बेनिफिट नहीं देना चाहती, इवन उनको फंडिंग की मेजरली जो रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी बिजनेस को वो होती है उनको फंडिंग की, राइट। तो फंडिंग के लिए अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो स्मॉल बिजनेस के पास में केवल बैंक लोन्स वगैरह के ही ऑप्शन होते हैं, पर स्टार्टअप इंडिया के अंदर एक तरह से बहुत सारे वेंचर कैपिटल फंड्स बनाए गए हैं जिसके थ्रू एक तरह से आप जो है फंडिंग ले सकते हैं अपनी इक्विटी को गवर्नमेंट को एक साथ शेयर करके, राइट। मतलब अगर लाइक सपोज अगर आपके पास में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप गवर्नमेंट को कुछ परसेंटेज अमाउंट एक तरह से इक्विटी देके अपनी कंपनी के अंदर आप उनके थ्रू जो एक तरह से फंडिंग उठा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, तो उनकी लिस्ट दी हुई है, जैसे SBI का कैपिटल मार्केट से, राइट, IFCA का है एंड SIDBI का है हैदराबाद, और ये स्टेट वाइज भी चलता है। तो काफ़ी सारे एक तरह से स्टार्टअप जो है वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, तो उनके थ्रू जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो वहाँ से एक तरह से आप फंडिंग वगैरह ले सकते हैं। उसके अलावा मैं अदर बेनिफिट की बात करूँ तो दैट इज़ अबाउट द स्टार्टअप इंडिया हब। अब ये स्टार्टअप इंडिया हब क्या है, एक तरह से इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जो है टैक्सेशन और फंडिंग के साथ साथ में जो स्मॉल बिजनेस हैं उनको अदर जो लाइक मार्केटिंग है, मेंटरशिप है, उसके अंदर भी सपोर्ट देना चाहता है। तो इसके लिए बहुत सारे इंक्यूबेटर्स एक तरह से सेटअप किए गए हैं जो कि एक तरह से गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंक्यूबेटर्स होते हैं या आपको एक तरह से मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, प्लस आपकी मार्केटिंग या फिर कोई बिजनेस सपोर्ट हेल्प करते हैं, प्लस के साथ में आपको फंडिंग के लिए भी एक तरह से आपको सपोर्ट मिलता है। तो इनके थ्रू भी एक तरह से आप जो स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स की अप्लाई कर सकते हैं। और अनदर मेन थिंग कि अगर स्टार्टअप इंडिया का आपको पार्ट बनना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंक्यूबेटर्स हैं उनसे आपको एक रिकमेंडेशन लेटर लेना पड़ेगा, राइट। तो ये रिकमेंडेशन लेटर आप तभी ले सकते हैं जब स्टार्टअप एक तरह से जो इंक्यूबेटर्स हैं उनके लिए आप अप्लाई करते हैं। उसके अलावा मैं अदर बेनिफिट की बात करूँ तो दैट इज़ अबाउट द इनोवेशन द रिसर्च। तो गवर्नमेंट ने एक तरह से जो स्टार्टअप इंडिया है उसके अंदर मेक इन इंडिया कैंपेन भी चलाया था और उसके अंदर एक तरह से इनोवेशन की बात की थी कि जो एक तरह से हम लोग चीज़ें जो इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर से वो एक तरह से इंडिया के अंदर ही बननी चाहिए। तो उसके लिए ऑब्वियसली है कि इनोवेशन भी एक तरह से रिक्वायरमेंट है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए अटल इनोवेशन रिसर्च जो सेंटर है वो सेटअप किया है। तो इसके लिए आप अलग से जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके, ये देखिए अटल इनोवेशन की वेबसाइट पर जाके आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंडर में एक तरह से आपके पास में कोई भी आइडियाज़ हैं तो एक तरह से जो आपका आइडिया है वो एक तरह से आइडिया स्टेज से लिखकर आपका पूरा आइडिया को एक तरह से ये लोग इनका जो पैनल होता है वो एक तरह से देखता है और आपको सारी जो एक तरह से मेंटरशिप है और फंडिंग वगैरह है जो वो सपोर्ट करता है। उसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट बेनिफिट की बात करूँ दैट इज़ अबाउट द एग्जिट। अब होता क्या है, लेट सपोज अगर आपने स्टार्टअप इंडिया के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना भी ली है लेकिन अगर बाई चांस आपका बिजनेस नहीं चलता और अब आपको कंपनी बंद करनी है, तो पहले एक तरह से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बंद करने के लिए या LLP या पार्टनरशिप को बंद करने के लिए आपने किसी भी रजिस्टर्ड बिजनेस को बंद करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन अब स्टार्टअप इंडिया में क्या हो गया, आप विद इन द 90 डेज जो है अपने स्टार्टअप को, अपने बिजनेस को एक तरह से क्लोज कर सकते हैं। पहले ये देखिए एक FTE स्कीम करके, FTE फास्ट ट्रैकिंग स्कीम है जो कि एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्लोज करने के लिए, तो उसके थ्रू आप विद इन दिन जो है 90 डेज अपने स्टार्टअप को जो है एक तरह से क्लोज कर सकते हैं इजीली और वहाँ पे आपको ज़्यादा कॉस्टिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसके अलावा जो अदर बेनिफिट है दैट इज़ अबाउट द पेटेंट। तो ऑब्वियसली है अगर आपको कोई बिजनेस है तो आपके पास में एक तरह से काफ़ी असेट्स होती है, लाइक आपके पास में कोई आइडिया होता है, आपके पास में कोई प्रोडक्ट होता है, तो ये प्रोडक्ट जो आइडियाज वगैरह कोई कॉपी ना कर सकते, तो इसके लिए एक तरह से आपकी जो प्रॉपर्टी है वो एक तरह से सिक्योर रहनी चाहिए। तो इसको सिक्योर करने के लिए आप पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं पेटेंट की नॉर्मली पेटेंट की कॉस्ट की बात करूँ तो ये एक तरह से बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, जो मोर देन 50,000 to 1,00,000 rupees भी जाती है। तो एक तरह से जो स्टार्टअप है, स्मॉल बिजनेस है, उनके पास में स्टार्टिंग में इतनी कोई फंडिंग होती नहीं है तो वो बियर नहीं कर पाते।
तो वहाँ पे एक तरह से जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर में गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो एक तरह से जो एक्सपेंसेस है, जो पेटेंट का एक्सपेंसेस है, जो लीगल फीस है, वो उसके अंदर गवर्नमेंट एक तरह से आपको एज ए सब्सिडी देगी, और जो कॉस्टिंग है वो एक तरह से गवर्नमेंट बेयर करेगी, राइट। तो अगर आपका स्टार्टअप इसके अंदर एक तरह से सेलेक्ट होता है तो आप अपना जो है प्रोडक्ट वगैरह को एक तरह से पेटेंट्स वगैरह करा सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्टार्टअप इंडिया के लिए अंतर्गत, जो एक तरह से आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टार्टअप इंडिया है उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। तो एक बार अगर मैं समराइज कर दूँ तो ये देखिए कुछ बेनिफिट्स हैं, फटाफट टोटल मैं आपको समराइज कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट मैंने आपको बताया कि एक तरह से टैक्स बेनिफिट है, राइट, जहाँ पे आपको 3 साल का टैक्सेस पे नहीं करने, प्लस आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है वहाँ पे भी आपको रिबेट मिलेगी अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं और उसको री इन्वेस्ट करते हैं। अगला जो बेनिफिट, दैट इज़ अबाउट द सेल्फ सर्टिफिकेशन, जहाँ पे आपको कोई फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सेल्फ सर्टिफिकेशन ही जो है एक तरह से इशू कर सकते हैं, और एक तरह और आपको कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगी गवर्नमेंट की तरफ से, और आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिल जाता है। एंड नेक्स्ट अबाउट द स्पेशल फंड, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक तरह से वेंचर कैपिटल फंड्स सेटअप किए हुए हैं जिनके थ्रू आप फंडिंग जो है एक तरह से उठा सकते हैं। उसके अलावा स्टार्टअप इंडिया हब बनाया गया है जहाँ पे काफ़ी सारे इंक्यूबेटर्स हैं जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, वो आपको मेंटरशिप वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा इनोवेशन एंड रिसर्च सेंटर बनाया गया है जिसके अंतर्गत आप अपने आइडियाज़ वगैरह को एक तरह से डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने बिजनेस को बंद भी कर रहे हैं तो आप विद इन द 90 डेज एक तरह से अपने स्टार्टअप को क्लोज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास में अगर आपको ट्रेडमार्क या पेटेंट या किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पे 80% तक गवर्नमेंट आपको एक तरह से रिबेट प्रोवाइड करती है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।